नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश का झांसी है और झांसी का यह इलाइट चौराहा है। आप देख रहे होंगे कि यह इलाइट चौराहे पर समय जो आप चूना डला हुआ देख रहे हैं और पुलिस बल की तैनाती है। दरअसल आज झांसी में दोपहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है। उनके आगमन से पहले किस प्रकार की सड़कों पर साफ सफाई है और यातायात व्यवस्था कितनी अच्छी है, ये हम आपको कई अलग अलग मार्गों का नज़ारा दिखाते हैं। ये आप मुख्य लाइट चौराहे का नज़ारा देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ चूना डला हुआ है और अधिकारियों की गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। ये आप देख रहे होंगे कि सड़क कितनी साफ है, चौड़ी है और सड़क पर जो चूना डाला गया है इसके हद में ही सारे जो दुकानों के बाहर की गाड़ियां हैं वह रहेंगी। यातायात किसी प्रकार से अनियंत्रित ना हो, इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। पुलिस बल चारों तरफ लगाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि पूरे सड़क पर जहां यह जो मुख्य मार्ग है सर्किट हाउस की तरफ जाता है, बीकेडी की ओर जाता है, यहां दोनों तरफ चूना डाला गया है और आपको सड़क पर कहीं भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नज़र नहीं आ रहा होगा। जो साइड में दुकानें लगी रहती हैं वह भी फिलहाल हटा दी गई हैं। ये आप देख रहे हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वह लगातार सफाई कर रहे हैं और चूना डालने का कार्य किया जा रहा है। यह झांसी में नया जूडियो का शोरूम खुला है और आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही खूबसूरत और नया शोरूम अब खुल गया है झांसी में। जूडियो का शोरूम, जिसे कपड़े वगैरह यहाँ पर होते हैं, और यह खुल गया है। यह जीवन शायद रहा है। यहाँ से एक रास्ता, जैसा कि देख रहे हैं सामने, शहर कोतवाली की ओर जाता है, जबकि यह रास्ता बीकेडी की ओर जाता है। और इस समय आपको बता दें कि पूरे शहर में हलचल है और अधिकारियों से लेकर नेताओं तक की भाग दौड़ हो रही है। सभी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं और ये देख सकते हैं कि सफाई कर्मी किस तरह से पूरी सड़कों को साफ सुथरा बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी गंदगी या कहीं भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नज़र नहीं आने चाहिए। सड़कों पर देख सकते हैं वाहन अंदर हैं, किसी भी प्रकार का कोई वाहन बाहर नहीं दिखाई दे सकता है। बहुत कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, जैसा कि कल जो अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन भानु भास्कर यहाँ झांसी में डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने पुलिस की लगातार ब्रीफिंग की है। जिन जिन पॉइंटों पर मुख्यमंत्री को जाना है वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं और दोपहर के बाद आप इन सड़कों पर भी कड़ा पहरा पुलिस का देखेंगे। यह बीकेडी की ओर जाने वाला मार्ग है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको वहाँ दिखाया था जो जूडियो का शोरूम खुला, और यहाँ पर यह रिलायंस ट्रेंड है, ईसा सैलून अकेडमी है और कई सारे यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स भी हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान हैं जो कि VIP इलाका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे बोर्ड भी लगा हुआ है। झांसी की जो सांसद हैं अनुराग शर्मा, उनका यह निवास है। जहाँ आप पेड़ की हरियाली देख रहे हैं यह उनका ही निवास है। ये आप देख सकते हैं सांसद अनुराग शर्मा का यह संसदीय कार्यालय और निवास दोनों हैं एक ही जगह हैं। ये भाजपा नेताओं की देख सकते हैं आप गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। यह बीकेडी चौराहा है और देख रहे होंगे आप कि यहाँ मुख्यमंत्री के आने से पहले जो रंग रोशन का काम है वह कितनी तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है यह सर्किट हाउस के लिए जाता है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में ठहरेंगे और बैठक करेंगे। इसके अलावा उनका रात्रि विश्राम भी है और कल वह ललितपुर के लिए जाएंगे। आज उनका दतिया का भी दौरा है, जहां माँ पीताम्बरा पीठ के दरबार में वह माथा टेकेंगे। यह झांसी का मुख्य बीकेडी चौराहा है और सामने से यह रास्ता जो ग्वालियर रोड से आता है यह शहर की ओर से आने वाला मार्ग है, जबकि यह
एलाइट की ओर से आने वाला मार्ग है। हम आपको अब सर्किट हाउस की तरफ लेकर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि किस प्रकार से फिलहाल सुबह के समय का वहाँ जो हाल हाथ है, जो नज़ारा है, वह कैसा है। और यह सर्किट हाउस है जहाँ मुख्यमंत्री का आगमन होगा। फिलहाल यहाँ पर अभी शांति है, अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ पर दौड़ रही हैं और व्यवस्थाओं को चौकस बनाए रखने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। ये आप उसका खूबसूरत लुक देख सकते हैं, अब कितना बदल गया है सर्किट हाउस, काफ़ी खूबसूरत बना दिया गया है। दोपहर के बाद यहाँ जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ नेताओं की गाड़ी लगातार आ जा रही हैं। तो फिलहाल हमने आपको मुख्यमंत्री के आने से पहले जो तैयारियां चल रही हैं उसका खूबसूरत नज़ारा और इंतजाम के बारे में जानकारी दी है। जल्द ही हम आपको मुख्यमंत्री के आने पर जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी। अधिकारियों की गाड़ियां आप देख रहे हैं लगातार धन धन करके भाग रही हैं, दौड़ रही हैं।